ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पत्रिका मंच में आप देख रहे हैं होम साइंस विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता अग्रवाल से खास बातचीत। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं इस बातचीत की ओर। तो मैं गर्ल्स के बारे में बात करना चाहूंगी आपसे। हाइजीन की हम बात करें, सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल नहीं है उनके पास। गवर्नमेंट की तरफ से इस दिशा में आपको क्या लगता है, जो प्रयास किए अभी हाल ही में शुरुआत की गई है? अभी शुरुआत की गई है। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो 2 साल पुरानी बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट ने अभी वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं सैनिटरी नैपकिन की, जो अजमेर से शुरू की हैं, पर वो वेंडिंग मशीन्स अभी गांव तक नहीं पहुंची हैं। जो हम जो बात कर रहे हैं वो इंटीरियर की बात कर रहे हैं, प्लस वो वेंडिंग मशीन आपको फ्री में सैनिटरी नैपकिन नहीं दे रही है, वो तो पैसे से, इट इज अ सेल मशीन। और उन बेचारी महिलाओं के पास पैसा कहाँ है कि वो खरीदेंगे? उनके पास पुराना कपड़ा नहीं है लगाने के लिए, पैंटी नहीं है पहनने के लिए, तो वो वेंडिंग मशीन से कैसे सैनिटरी नैपकिन खरीदेंगे? हमने जब ये कैंप लगाया था, हमने खुद सैनिटरी नैपकिन बनाकर उनको सेल किए थे। तब जो दूसरी प्रॉब्लम आई वो थी डिस्पोजल की। जी, आपने सैनिटरी नैपकिन अगर गांव-गांव पहुंचा दिए तो डिस्पोजल कहाँ होगा? किसी भी स्कूल में कोई डिस्पोजल मैकेनिज्म डेवलप नहीं है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट ने अभी कोशिश कर रही है कि डिस्पोजल मैकेनिज्म डेवलप करें, लेकिन ऑल दीज आर नॉट एक्चुअली वर्किंग। जी, अभी गांव तक चीजें नहीं पहुंची हैं। उसके लिए मैं तो यही कहूंगी कि जो एनजीओज वाकई फील्ड में काम कर रही हैं, वो कम से कम महिलाओं की इस स्थिति पे ध्यान दें, खासतौर से लड़कियों की इस स्थिति पे ध्यान दें कि उनकी रेगुलर एक्टिविटीज ना रुके और उनकी जरूरत की चीजें उनको मिलती रहे, साथ में गंदगी ना फैले। जी, तो उसके लिए इंसिनरेटर्स स्कूल में लगाए जाए, सबसे सिंपल चीज है एंड इट इज अ लो कॉस्ट आइटम। इंसिनरेटर अगर लगाया जाएगा उसमें बर्न हो जाते हैं सैनिटरी नैपकिन, और हाई टेम्परेचर पे बर्न होते हैं तो पॉल्यूशन कम होता है। दूसरा, इस पे टैक्स भी अभी गवर्नमेंट ने लगा दिया था, उसको भी काफी पूरे देश पर उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, आप क्या मान के चलते हैं कि टैक्स लगाना कितना? टैक्स तो डेफिनेटली, सैनिटरी नैपकिन अगेन इज अ बेसिक नीड ऑफ द वुमेन, और बेसिक आइटम पर भी अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाने लग गई तो ये वाकई हमारे लिए, तो हमारे देश के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत तकलीफ की बात है। गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि ये डिसाइड करे कि किन चीजों पर टैक्स जरूरी है और किन चीजों पर नहीं है। और हमारी इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री, खास तौर से गांव में जहां अभी तो बेसिक उन तक ये चीज अवेलेबल ही नहीं हो रही है, और इसके टैक्स के थ्रू कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी, तो जो थोड़ी बहुत भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक ये चीज पहुंच जाए उसमें और मुश्किल आएगी। कोई भी एनजीओ या कोई इंसान अपना खर्च करके भी उन तक पहुंचाना चाहता है कोई चीज, तो वो कैसे पॉसिबल होगा जब ये चीज कॉस्टली हो जाएगी? तो ये तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि गवर्नमेंट इस पर तो टैक्स बिल्कुल भी ना लगाए, बल्कि इस पर तो ये वो आइटम है जिस पर सब्सिडी दी जानी चाहिए बजाय टैक्स लगाने के। फ्यूचर प्लान्स क्या है मैम, आपने आगे का क्या सोचा है? फ्यूचर प्लान मेरा यही है, बेसिकली अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया इज एट द सेकेंड नंबर ऑफ द बॉटम इन द वे ऑफ एजुकेशन। इंडिया के जो बच्चे हैं गांव में गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो सेकंड क्लास में, सेकंड से लेकर फिफ्थ में भी बहुत से बच्चे वर्ड्स भी नहीं पढ़ सकते, और सिंपलेस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 2 नंबर्स की प्लस माइनस डिवीजन वगैरह भी वो अच्छे से नहीं कर सकते। दैट मींस एजुकेशन हो तो रही है, गवर्नमेंट स्कूल चल तो रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि वो पहुंच नहीं रही है या उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहली चीज ये है जो अभी मुझे लग रहा है, वुमेन इश्यूज तो मेरे दिल के करीब है, मैं उन पर तो काम करते ही रहना चाहूंगी, लेकिन बीइंग एजुकेशनिस्ट मुझे लग रहा है कि एजुकेशन पे, खासतौर से ग्राउंड लेवल एजुकेशन पे, बेसिक एजुकेशन पे काम करना जरूरी है। हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि हम इंजीनियर्स डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं अगर फिफ्थ लेवल तक भी नहीं पढ़ पाते, और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होकर, इतनी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होकर बॉटम में सेकेंड लेवल पर है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पढ़ाई के लिए, तो इस सिचुएशन को मैं इम्प्रूव करना चाहूंगी। और मैं गांव के लेवल पे पढ़ाई से जुड़ने के लिए
अभी मैंने रिसेंटली रोटरी का इनरली क्लब भी ज्वाइन किया है जी। और उनका अभी बेसिक कैंपेन ही हैप्पी स्कूल डेवलप करना चल रहा है, जिन स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज हो, जहां बच्चे आना चाहें, लाइब्रेरी हो, टॉयलेट्स हो और प्रॉपर क्लासरूम्स हो जहां अच्छे से पढ़ाई हो सके, इस तरह के स्कूल्स अच्छे से डेवलप किए जा रहे हैं और गांव के पेरेंट्स और बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो आए और मतलब एक्चुअल एजुकेशन लें। एक्चुअली हो या रहा है कि बच्चा आता है, पढ़ाई में मन लगा तो पढ़ लिया, नहीं लगा तो नहीं पढ़ा, आज आ गया कल नहीं आया। गांव में जो पेरेंट्स हैं उनको अगर हम कहते हैं कि आप बच्चे को स्कूल भेजो, तो वो ये कहते हैं कि ये बच्चा तो मेरे साथ काम पे जाता है, ये कमा के ला रहा है, इसको स्कूल भेज दूं तो ये कमाएगा कौन, रोज की दाल रोटी कहाँ से आएगी, सिर्फ हमारी कमाई से तो हमारा पेट नहीं भरता। तो उनके लिए वो हर बच्चा एक कमाने वाला हैंड है, ऐसे में उनके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट ही नहीं है। उनको बहुत समझा दिया जाए कि आप इसको पढ़ाएंगे तो ये कल को ज्यादा कमाएगा, वो कहते हैं कि आज की रोटी तो खा ले तब ये कल को कमाएगा। तो ऐसे में फिर हमारी कोशिश ये हो रही है कि उनको आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन दी जी। दिन में वो कमाने जाते हैं पर उनमें पढ़ाई के लिए इतनी जिज्ञासा पैदा कर दी जाए कि वो शाम को आकर स्कूल अटेंड करें लेकिन वो पढ़ाई करें। और अगर वो रेगुलर स्कूल से एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो वो ओपन स्कूल से एग्जाम दें जी। और उससे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको भी मन में फीलिंग होगी कि हमने कुछ अचीव किया है, तो और आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेशन मिलेगा। अब आयु से भी जुड़े हुए हैं ये सारा भी आप कर रहे थे, सोशल एक्टिविटी से फैमिली के लिए किस तरह से आप टाइम निकाल पाते हैं और फैमिली का रिएक्शन किस तरह का रहता है, उनका सपोर्ट किस तरह से मिला है आपको? डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि कोई भी वुमेन अगर इतना काम कर रही है तो उसके पीछे सबसे पहले जो कहते हैं कि पहले कहा करते थे कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ मैन। और मैं ये कहूंगी नॉट ओनली मैन बट चिल्ड्रन जी, एंड उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी कोई भी पर्सन अगर सक्सेसफुल हो रहा है मी एज अ पर्सन, तो सबसे पहला रोल है मेरे पेरेंट्स का जी, जिन्होंने ना मुझे बर्थ दी बट ऐसी ग्रूमिंग दी कि आज मैं सोसाइटी में कुछ करने लायक हूँ, आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ, तो ये अपने पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, कभी इस तरह की कोई कमी नहीं होने दी। और सबसे बड़ी बात, हम चार डॉटर्स हैं जी और मैं फोर्थ नंबर पे हूँ। मेरे पेरेंट्स ने हम चारों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दी। मेरे फादर खुद RS ऑफिसर थे और वो ये चाहते थे कि मैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आऊं, बट समहाउ पता नहीं मुझे एजुकेशन की तरफ ही रुझान था। इट्स अ नोबल प्रोफेशन एजुकेशन में हम लोग ने हमेशा अपने टीचर्स को इतना रिगार्ड दिया, हमारे यहाँ तो गुरु को ब्रह्मा के बराबर माना गया है, तो हम हमेशा टीचर्स को जो रिगार्ड देते थे वो देखकर मुझे लगा कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर ओनली। एडमिनिस्ट्रेशन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, मैं हमेशा और मोर ओवर मैं बेसिक एजुकेशन की तरफ भी मेरा रुझान नहीं था, मुझे पता नहीं यूनिवर्सिटी टीचिंग का ही इंटरेस्ट था बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद रिसर्च ऑल्सो, तो वो रिसर्च में भी मेरा बहुत रुझान था। अब रिसर्च की आप बात करें तो मैं आयु के बारे में जानना चाहूंगी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में रिसर्च की जो स्थिति है वो कैसी है? यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ अभी किसी कारण से नाम अगर डाउन हुआ है, पर रिसर्च की स्थिति आज भी बहुत अच्छी है। नाम लगातार नीचे गिरता जा रहा है, नीचे नीचे गिरने का भी कारण है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 25 सालों से मैंने जॉब ज्वाइन किया था 88 में, उसके बाद 25 सालों तक अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए, एंड हम पहले 1% का काम करते थे फिर 2 का करने लगे, मतलब हमारे ऊपर वर्कलोड बढ़ता चला गया, बट वी वर ट्राइंग टू कोप विद दिस। और उसके साथ साथ हमने कभी रिसर्च को डाउन नहीं होने दिया, जितने यहाँ पे आज आप देखिए इतने कम टीचर्स हैं, और खुद मैं बहुत सालों तक एडवोकिज्म की शिकार रही हूँ। हम लोग 2005 में परमानेंट हुए हैं जी, इतने साल एडहॉक रहे, उसके बावजूद मैंने जॉब के साथ साथ 1999 में पीएचडी की। पीएचडी का मेरा टॉपिक भी बहुत ही
विलेज ओरिएंटेड टॉपिक था और शहर के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है, वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे मैंने किया है। और अब समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी होम साइंस विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता अग्रवाल से बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।